मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी पार्ट वन सेशन 21 से 24 का, जिसका एग्ज़ाम 18 तारीख से होने वाला है, उसका सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आप सब दोस्तों को बताने वाला हूँ कि किस कॉलेज का सेंटर किस कॉलेज को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, हम हर एक कॉलेज का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और बताएंगे कि किस कॉलेज का सेंटर किस कॉलेज में गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा गया सेंटर लिस्ट ऑफ TDDC पार्ट वन ऑनर्स सब्सिडरी जनरल एग्जाम 2022। ठीक है, तो यहाँ पे LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में किसका किसका सेंटर पड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा 3 कॉलेज का पड़ा है। तो किसका किसका, डॉक्टर RM LS कॉलेज मुजफ्फरपुर का, इस्लामिया डिग्री मुजफ्फरपुर का, RC कॉलेज सकरा का। इन 3 कॉलेज का सेंटर किस में दिया गया है, तो RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर में RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में किसका किसका सेंटर बनाया गया है, तो MPS साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर का, डॉक्टर JM कॉलेज मुजफ्फरपुर का, 3 नंबर में रामेश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर का, और 4 में ऑल मुजफ्फरपुर के कॉलेज का RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में बनाया गया है सेंटर। ऐसे ही समझिएगा दोस्तों। ठीक है, हम नीचे आते हैं, दिया गया है 14 नंबर में CN कॉलेज साहेबगंज का सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो इसमें दिया गया है जीवन कॉलेज मोतीपुर का सेंटर बनाया गया है CN कॉलेज साहेबगंज में। ठीक है, चलिए और निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 15 नंबर में दोस्तों हम जूम कर दिए हैं, DC कॉलेज हाजीपुर में किसका किसका सेंटर पड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा BMD कॉलेज दयालपुर का, डॉक्टर राम बालक राय हाजीपुर का, लालगंज कॉलेज लालगंज का, 4 में दिया गया PTU के MF कॉलेज हाजीपुर का सेंटर DC कॉलेज हाजीपुर में बनाया गया है। और दिया गया 20 नंबर में देखिएगा MSM समता कॉलेज जंदाहा वैशाली में किसका किसका सेंटर पड़ा है, तो RPS कॉलेज चकियांज का, BPS कॉलेज ढेसरी का, NN कॉलेज सिंघारा का सेंटर MSM समता कॉलेज जिंदाहा में पड़ा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही और कॉलेज का देख लेते हैं कहाँ सेंटर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो और कॉलेज का भी लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैशाली महिला कॉलेज में किसका किसका सेंटर पड़ा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे इसका हम निकाल लिए 25 नंबर वाले का। SRKG कॉलेज सीतामढ़ी में किसका किसका सेंटर पड़ा हुआ है, तो RLS महिला कॉलेज सीतामढ़ी का, JS कॉलेज चंदौली का, डॉक्टर ISRJD कॉलेज सीतामढ़ी का सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो SRKG कॉलेज सीतामढ़ी में। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि MS कॉलेज मोतिहारी में किसका किसका सेंटर बनाया गया है, तो PUP कॉलेज मोतिहारी का, ऑल कॉलेज ऑफ ईस्ट चंपारण का सेंटर पड़ा है MS कॉलेज मोतिहारी में। LND कॉलेज में किसका किसका सेंटर पड़ा है, तो आप अगर MS कॉलेज में पढ़ते हैं तो MS कॉलेज का सेंटर LND कॉलेज में बनाया गया है। 2 नंबर में दिया सब डिवीजन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मधुबन का सेंटर LND कॉलेज मोतिहारी में पड़ा है। JLM कॉलेज घोड़ा सहन, आशा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट ईस्ट चंपारण का सेंटर LND कॉलेज में पड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए और भी कॉलेज का लिस्ट देख लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि RLSY कॉलेज बेतिया में किसका किसका सेंटर बना हुआ है, तो अगर आप MJK कॉलेज बेतिया के छात्र छात्रा है, या MNMM कॉलेज बेतिया जो कि महिला कॉलेज के नाम से जाना जाता है उसमें पढ़ रहे हैं, या TP वर्मा कॉलेज नरकटियागंज के छात्र हैं, तो आपका सेंटर कहाँ दिया गया है, तो RLSY कॉलेज में बनाया गया है। MJK कॉलेज बेतिया, महिला कॉलेज बेतिया और TP वर्मा कॉलेज नरकटियागंज का सेंटर RLSY कॉलेज में बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही देख लीजिएगा सब, और कोई भी कॉलेज का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा से पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।